ओ वीडियो चालू है क्या? 5 सेकंड में आया कपड़े पहन के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे क्या नौटंकी है, कभी चाय पीते हुए एंट्री करता है, कभी नाचते हुए, आज एक्सरसाइज करते हुए और अब केला भी खा रहा हूं। तो जो लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको बता दूं कि हाँ, मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक है प्रोटीन के ऊपर। तो आज मैं, अब आप बोलेंगे मैं प्रोटीन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और केला खा रहा हूं, तो क्या रीजन है? बने रहिएगा वीडियो पे, स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितने तरह के प्रोटीन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको प्रोटीन के टाइप्स बताने वाला हूं, साथ ही साथ किसको प्रोटीन लेना है और प्रोटीन लेने का सही वक्त क्या है। और वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि मैं हमेशा की तरह आपको एक बोनस भी देने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। अब मैं तीनों के पहले बेसिक चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन जो होता है इसमें 75% अराउंड प्रोटीन होता है और बचे हुए जो 25 ग्राम्स होता है उसमें फैट और कार्ब्स भी होता है। ये डाइजेशन के लिए थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है और जिन लोगों को, जैसा हमने पिछली बार बात किया था कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी होता है उन लोगों के लिए प्रोटीन थोड़ा हैवी होता है। दूसरे प्रोटीन की बात करता हूं, वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट बहुत फेमस टाइप है प्रोटीन का, स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इसमें 85% अराउंड प्रोटीन होता है। मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूं और इसमें फैट और कार्ब्स भी इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्सेंट्रेट काफी कम होता है और ये डाइजेशन में काफी इजी होता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का इश्यू होता है उन लोगों के लिए भी प्रोटीन बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तीसरे प्रोटीन की बात करूं, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में अराउंड 95% प्रोटीन होता है और बचे जो 5 ग्राम होते हैं उसमें लिटिल कार्ब्स होता है। ये डाइजेशन में बहुत इजी होता है, ये बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म होता है। वे प्रोटीन एक वेजिटेरियन प्रोटीन है, ये दूध से बना होता है। इसकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड कहलाता है। अब आपको कौन सा प्रोटीन लेना है? देखिए दोस्तों, मैं इतने सारे प्रोटीन रेगुलरली लेता हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं, योगा करता हूं, एरोबिक्स करता हूं और मैं रेगुलरली प्रोटीन लेता हूं। पर देखिए, इसमें प्रोटीन कौन सा लेना है? तो देखिए, अगर आपको, देखिए खुद आपको डिसीजन लेना है, हमेशा मैं बोलता हूं। देखिए, क्योंकि इन तीनों प्रोटीन के प्राइसेस भी वैसे होते हैं, अगर आप देखें तो अराउंड 500 से 1000 रुपए पर किलो का डिफरेंस होता है। जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो 500 से 1000 रुपए सस्ता होता है, आइसोलेट उससे महंगा होता है और हाइड्रोलाइज उससे भी महंगा होता है। तो पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, आपका टारगेट क्या है? अगर आपका टारगेट बॉडी बिल्डिंग है या इंटरनेशनल लेवल के एथलीट से आप, तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन आपके लिए सजेस्टेबल है। एक सेकेंड, एक सिप मार लू। अब क्योंकि मैंने वर्कआउट किया, जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा, पर अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने वर्कआउट किया फिर केला खाया और फिर मैं प्रोटीन ले रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। सही नॉलेज के लिए बने रहिएगा। अब होता क्या है कि अगर आप ये लेवल के, जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे प्लान कर रहे हैं, या आपके लिए फैट परसेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, पॉइंट में भी मैटर करता है, देन यू शुड टेक हाइड्रोलाइज्ड। अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट प्रोटीन इज गुड इनफ, क्योंकि मैंने वैसे तीनों ही ट्राई किए हैं। मैं इतने 16-17 साल से फिटनेस फील्ड में हूं तो मैंने सभी ट्राई किए। मेरा एक सजेशन है कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट भी लेंगे तो दैट इज गुड इनफ। द रीजन बिहाइंड इट कि इसमें 2-5 ग्राम फैट और कार्ब्स एक्स्ट्रा होते हैं। अब उस वजह से अगर आपका टारगेट है कि आपको जो है सिर्फ फिटनेस के लिए ले रहे हैं तो दैट प्रोटीन इज ऑल्सो गुड इनफ। डिसीजन इज योर्स। किसे प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक सभी को प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्रोटीन एनर्जी देने का सोर्स नहीं है, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, यह आपके टिश्यूज को सपोर्ट करता है, सेल टिश्यूज और बॉडी के जो नाड़ियां होती है उनको सपोर्ट करने का काम करता है। अब इसको लेने का सही वक्त क्या है वो बताने से पहले दोस्तों मुझे बताइए कि अगर आपको किसी को चोट लग जाती है तो आप मलहम चोट लगने के पहले लगा लेते हैं या चोट लगने के बाद? सोचिए, चोट लगने के बाद
वैसे ही जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं या योगा सेंटर में जाके वर्कआउट करते हैं या अपने फिटनेस स्टूडियोज में जाके वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल स्टेयर होते हैं। तो मसल स्टेयर होते हैं तो आपको प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। अच्छा, अब रिपेयर देखिए, मैंने बोला था बोनस के लिए बने रहिएगा, तो बोनस आएगा। तो अब होता क्या है, जब आपके मसल स्टेयर हुए हैं तो उसके बाद आपको उसको रिपेयर करना है। अब कई लोग देखिए, आपके पास में बहुत सारा पैसा है ना, तो आप दोनों टाइम प्रोटीन लो, बिफोर वर्कआउट भी लो और आफ्टर वर्कआउट भी लो, दैट इज फाइन इनफ। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले ले लिया तो वो मोटे हो जाएंगे, नहीं। पर क्या प्रोटीन एनर्जी का सोर्स है? पहले वीडियो से, इस तीन सीरीज के वीडियो का, जो तीन वीडियो का सीरीज बनाया उसमें पहले वीडियो से मैंने कहा कि ये एनर्जी सोर्स नहीं है। तो वर्कआउट के पहले अगर आप प्रोटीन ले रहे तो ये आपके उतने यूज में नहीं आएगा। अब आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो लीजिए। तो पहली चीज कि आपको वर्कआउट के बाद में लेना है। पर अच्छा, किसके साथ लेना है ये भी बता देता हूं। देखिए, हमेशा सजेस्टेबल होता है कि आप पानी के साथ लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन को दूध के साथ में लेते हैं, प्रोटीन पाउडर को जब दूध के साथ में लेते हैं तो ये केसीन बन जाता है, स्लो रिलीज होता है, तो आपके मसल्स को जो रिपेयर की जरूरत होती है वो स्लो हो जाती है। अब मैंने बोनस पे आ जाता हूं। आपने वीडियो की शुरुआत में मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखा, उसके बाद केला खाते हुए देखा, हालांकि वो केले मेरी बंगलों में आए हैं। अब केला क्यों खाया? क्योंकि आप जब वर्कआउट फिनिश करते हैं दोस्तों, तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल, जिसकी बात मैंने पहले की थी, तो वो ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन होता है। अब होता क्या है, जब आप प्रोटीन लेते हैं एक्सरसाइज के बाद, तो आपका प्रोटीन क्या करेगा, वो ग्लूकोज लेवल को फिल करने में जाएगा। अब वो प्रोटीन का काम क्या है, याद कीजिए, प्रोटीन का काम है आपको बॉडी बिल्ड करना, मसल्स को रिपेयर करना, ना कि एनर्जी देना। अब वो प्रोटीन किसमें गया, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का काम क्या है, वो एनर्जी, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज बैड। क्योंकि आपका प्रोटीन साइकोलॉजिकली सिर्फ आपकी बॉडी पे वर्क कर रहा है, रियल में नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, वर्कआउट के बाद थोड़ा सा काफ लीजिए, कोई एक फ्रूट खा लीजिए, बनाना खा लिया, दो तीन बादाम खा लिए, या फिर ये सब नहीं खाना है जो मैं बता रहा हूं, तो या तो बादाम खा लिया या केला खा लिया, या फिर आपने दो खजूर खा लिए, और फिर प्रोटीन लीजिए, ताकि जो आपने ये खाया पहले वो आपके ग्लूकोज लेवल को फिल कर दिया, और प्रोटीन आपके मसल्स के लिए। और दोस्तों, आप इतना रिक्वेस्ट करते हैं ना चीजों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट कीजिए, इसी तरह आपके कमेंट और जो फीडबैक्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन डालता हूँ, और वहां पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगला टॉपिक मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ कि आप ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या खा सकते हैं, और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि क्या वो घी खा सकते हैं, घी खाने से मोटापा तो नहीं होता, तो उस पर भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में, जो आप कोरोना के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर जो मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, उसकी जगह ये वीडियो को शेयर कीजिए। हेल्थ जो चीज़ आप देते हैं, नेचर का रूल है, वो चीज़ लौट के आती है, तो लोगों को हेल्थ दीजिए हमेशा की तरह। मेरे वीडियो को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ये केला खाया येलो फ्रूट, ये टी जैकेट पहना येलो कलर, ये शेकर है येलो कलर, तो याद है बचपन की, येलो 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 येलो, नो 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 नो, येलो येलो लवली फेलो, नो डर्टी फेलो।